नमस्कार दोस्तों, मैं अमलिंदर कौर, मेडिटेशन टीचर। दोस्तों, हमारी आज की शॉर्ट मेडिटेशन बीइंग नॉन जजमेंटल है। दोस्तों, हम अपने मन में रहते हैं और हमारा मन सारा दिन जज करता है लोगों को, सिचुएशंस को, इंसिडेंट्स को। और इस जजमेंट में हम अपनी वाइटल एनर्जी को डिप्लीट करते हैं। जाने अनजाने सारा दिन जो हम जजमेंट्स देते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हम अपना कितना नुकसान करते हैं। आप ऐसा समझ लें कि हम अपनी करेंसी फेंक रहे हैं, अपनी पॉकेट से निकाल के हम लोगों को दे रहे हैं, या फिर हम उसे बेकार में फेंक रहे हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें एक ही वाइटल फोर्स मिली है हम सब, लेकिन हम में और वो लोग जो मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं, सिर्फ इतना फर्क है कि वो लोग इसको प्रिजर्व कर लेते हैं और इसको प्रोडक्टिविटी में लगाते हैं। हम लोग इसको सारा दिन डिप्लीट करते हैं, सारा दिन वेस्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि हमने सुबह किसी गिलास में पानी भरा हो, लेकिन सारा दिन थोड़ा थोड़ा ड्रॉप ड्रॉप करके खुद ही उसे निकाल के हम उसको फेंक रहे हैं और फिर हम कंप्लेंट करते हैं कि हमारी प्यास नहीं बुझी, हमारा ग्लास खाली था। तो आज हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि आज सारा दिन हम किसी को जज नहीं करेंगे, किसी के कपड़ों पे, किसी की अपीयरेंस पे, किसी की बातचीत पे हम अपनी कोई जजमेंट नहीं देंगे, ना बोलकर ना मन में। आज सिर्फ हम ऑब्जर्व करेंगे, चीजों को उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से वो है। कोई जजमेंट नहीं, कोई टैग नहीं, कोई लेबल नहीं। अगर आपको लगता है कि पूरा दिन मुश्किल है, तो आप प्रॉमिस करें कि नेक्स्ट 2 आवर्स या 3 आवर्स आप किसी भी चीज को, किसी भी पर्सन को जज नहीं करेंगे, देखेंगे एज ए विटनेस, एज ऑब्जर्वर। तो आज हम सब इसी का एक्सपीरियंस करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी एनर्जी, हमारी वाइटल फोर्स, जिसे हम जाने अनजाने वेस्ट करते हैं, वो कैसे प्रिजर्व होकर हमें हील करती है, हमें पीस में रहने की जो अनंत अवस्था में लेकर जाती है। सो प्रॉमिस कीजिए, आज हम किसी को जज नहीं करेंगे।